नमस्कार मित्रों, मैं अशोक आशीष, जनसरोकार मंच टोंक राजस्थान के इस मंच से आप सबों का धन्यवाद आभार ज्ञापन करते हैं। मैं अपने ताजे संग्रह गुम हुई पगडंडियों की तलाश से दो कविताएं आपके समक्ष रख रहा हूं। आशा है आप मेरा हौसला अफजाई करेंगे। मेरी पहली कविता का शीर्षक है रेत कला। रेत कलाकार रेत के कैनवास पर रेत से उकेरते हैं समय और समाज के बेहद संजीदा विचार आकृतियों की भाषा में। आकृतियां दस्तक देती हैं मानवीय संवेदनाओं के बंद दरवाजे पर, शिद्दत से झकझोरती हैं, जगाती हैं नींद से। सूरज की आहट से समंदर की लहरों पर रश्मियों की अठेलियों के खुलने लग पड़ते हैं असंख्य द्वार। रेत पर उकेरी कलाकृतियां अपने समय के समाज की होती हैं बेहद जरूरी और ज्वलंत मुद्दे। इतिहास से वर्तमान के सफर तक समंदर गाता रहा है हर्षोल्लास के कोरस संग जीवन के राग। समंदर की लहरें रेत की देह पर रच देती हैं असंख्य प्रेम कहानियां। रेत कलाकार की संवेदनाओं से गुजरते हुए रेत पर उकेरी कलाकृतियों के भावों को अंतर्मन में सहेजते हुए, रेत कलाकार के पसीने की बूंदों से गीला होते हुए और भी खारा हो जाता है हाथें मारता समंदर। समंदर चाहता है उसका तमाम खारापन मनुष्य की संवेदनाओं में घुलकर नमक बने, ताकि बची रहे संवेदना, बची रहे मानवता, बची रहे पृथ्वी, बची रहे रेत कलाकार के भीतर की कला। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है अट्टहास का उत्सव। गौर फरमाएंगे, कविता का शीर्षक अट्टहास का उत्सव। मछुआरे नदी में जाल डालते नदी की गहराई नहीं मापते, नदी का हालचाल नहीं पूछते और नहीं जानना चाहते कभी पानी का रहस्य। जल जीरा में तल्लीन मछलियों के रचना संसार के बारे में कुछ भी। मछुआरे सिर्फ जानना चाहते हैं जाल में उलझी ढेरों मछलियों के शक्ल में सिक्कों के खनक की तासीर। लकड़हारे जंगल में उतरते पूछते नहीं पेड़ों से हवाओं संग पत्तियों की सरसराहट का राग। लताओं और तनों के मिलाप का प्रणय प्रसंग फुनगियों पर पक्षियों के कलरब में लता वितान का कोरस। लकड़हारे सिर्फ जानते हैं जंगल के रहस्य से परे। लकड़हारे सिर्फ जानते हैं जंगल के रहस्य से परे पेड़ पौधों के कोमल कठोर आवरण पर धारदार कुल्हारियों के प्रहार का गणित। लकड़हारे सिर्फ जानते हैं पेड़ पौधों के कोमल कठोर आवरण पर धारदार कुल्हारियों के प्रहार का गणित। बहेलिए जाल बिछाते दाने डालते जानना नहीं चाहते परिंदों की दुनिया का रहस्य। उनकी चहचहट का संगीत उन्मुक्त उड़ान के मायने घोंसले और पिंजरे के दरमियान आजादी की कीमत। बहेलिए सिर्फ जानते हैं
बहेलिए सिर्फ जानते हैं भवनों महलों राज प्रासादों में, धरती आसमान के बीच हवाओं में टंगे पिंजरे का अर्थशास्त्र। बहेलिए सिर्फ जानते हैं धरती आसमान के बीच हवाओं में टंगे पिंजरे का अर्थशास्त्र। शिकारी पुरुष जानना नहीं चाहते जंगल और शहर में इंसानों के बीच। शिकारी पुरुष जानना नहीं चाहते जंगल और शहर में इंसानों के बीच जीवन का रहस्य। प्रेम के शाश्वत सौंदर्य और बलात्कार के क्रूर कृत्य के बीच का फर्क। शिकारी पुरुष जानना नहीं चाहते प्रेम के शाश्वत सौंदर्य और बलात्कार के क्रूर कृत्य के बीच का फर्क। शिकारी मानव सिर्फ जानते हैं आखेट की भाषा में प्रत्येक अमानुषिक कृत्य के बरक्स अट्टहास का उत्सव। एक और कविता है, कविता का शीर्षक है कैक्टस। आज के मौजूदा समय में कैक्टस की क्या उपयोगिता हो सकती है हमारे समय और समाज के संदर्भ में, यह कविता ऐसा ही कुछ कहती है। शिकारी रचता है बड़े से बड़ा मायावी प्रपंच। शिकारी रचता है बड़े से बड़ा मायावी प्रपंच, कांटे में गुथे आटे की माया में, मछुआरे के फेंके जाल में सदियों से उलझती आ रही हैं भोली मछलियां। बहेलिए के दानों के इर्द गिर्द बिछे जाल से आखिर क्यों कर अनभिज्ञ रह जाते हैं नादान परिंदे। घात लगाए शिकारी भेड़िए जब तब टूट पड़ते हैं शिकार मेमनों पर। घात लगाए शिकारी भेड़िए जब तब टूट पड़ते हैं शिकार मेमनों पर। क्रूर भेड़िए की तलाश से आखिर क्यों नहीं बच पाते हैं कोमल मेमने। कितनी भूख कितनी हवस शेष बची रह गई है धरती पर। कितनी भूख कितनी हवस शेष बची रह गई है धरती पर। आक्रांत आंखें चंपा चमेली लीली बेला जूही रजनी की शक्लों में ताजी खिली अधखिली फूलों को मसल डालने की फिराक में लगे रहते हैं। उपवन में माली की लगन को उपवन में माली की लगन को तार तार करते शैतानों के वारिस से बचाए रखने को ना काफी है कटीले तार का बार। उपवन में माली की लगन को तार तार करते शैतानों के वारिस से बचाए रखने को ना काफी है कटीले तार का बार। क्योंकि कटीले तार के बार का अब भरोसा नहीं रहा। कटीले तार के बार का अब भरोसा नहीं रहा। भरोसे के लिए एकमात्र भरोसा कैक्टस ही है। भरोसे के लिए एकमात्र भरोसा कैक्टस ही है। और आज की मेरी अंतिम कविता जिसका शीर्षक है किसान की आत्महत्या। एक किसान की आत्महत्या से सिर्फ एक पार्थिव शरीर नहीं मरता। एक किसान की आत्महत्या से सिर्फ एक पार्थिव शरीर नहीं मरता, मर जाते हैं अगणित बीजों के अंकुरण। मर जाते हैं अगणित बीजों के अंकुरण। धरती की उर्वरा शक्ति केंचुए कीड़े मकोड़ों सूक्ष्म जीवों के कुरेदे जाने का एहसास। असंख्य खरपतवार और अवांछित पौधों के उग आने से असंख्य खरपतवार और अवांछित पौधों के उग आने से मर जाता है वांछित पौधों का हरापन। एक किसान के यूं चले जाने से खामोश हो जाते हैं
और ललकार के शब्द उदास हो जाता है बैलों का मन, हल्की मूठ उभर आते हैं फावरे में जंग। किसान के सशरीर न होने से, किसान के सशरीर न होने से उचाट हो जाता है हवा का मन, उदास प्रतीत होते हैं खेत के सिरहाने खड़े बबूल के कांटेदार पेड़ों के झुंड, जिसकी अल्प कटी पटी छाया में कलेवा करता तंबाकू मलता विश्राम करता आया था किसान। एक किसान की असमय मृत्यु से, एक किसान की असमय मृत्यु से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत कुछ घटता है अप्रिय। टूट जाती है घर की उम्मीदें, दरक जाते हैं दीवारों का ताबूतपन, बदल जाती है एक समूची दुनिया। एक किसान की आत्महत्या से फर्क नहीं पड़ता, एक किसान की आत्महत्या से फर्क नहीं पड़ता मंडियों और बाजारों की सेहत पर, आढ़त की गद्दियों पर विराजे धन सेठों के गल्ले और तिजोरी पर, शेयर बाजार के सूचकांक पर। एक किसान की आत्महत्या से फर्क नहीं पड़ता मंडियों और बाजारों की सेहत पर, आढ़त की गद्दियों पर विराजे धन सेठों के गल्ले और तिजोरी पर, शेयर बाजार के सूचकांक पर। एक किसान के धराधाम से कूच करने से, एक किसान के धराधाम से कूच करने से बल नहीं पड़ता सूदखोर महाजनों और साहूकारों के माथे पर। ऋण अदा करेगा किसान का बेटा, ऋण अदा करेगा किसान का बेटा इस आशय के करारनामे पर, पहले से दर्ज है किसान का अंगूठा। वाकई एक किसान की आत्महत्या से, वाकई एक किसान की आत्महत्या से हिला नहीं करते सत्ता का सिंहासन, वाकई एक किसान की आत्महत्या से हिला नहीं करते सत्ता का सिंहासन। सूख जाया करते हैं समाज की आंखों का पानी मानवीय संवेदनाओं के बंद दरवाजे पर, मानवीय संवेदनाओं के बंद दरवाजे पर। भला कोई दस्तक भी है किसान की आत्महत्या। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।